क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी और ऊंचाई से चार गुनी है, ठीक है। तो इसका आयतन दिया हुआ है, यानी कि वायु कितना है ये दिया हुआ है, तो आयतन ही ना हुआ, तो कमरे की लंबाई निकालनी है। तो माना, सबसे पहले लेंगे चौड़ाई को, माना कि कमरे की चौड़ाई, कमरे की ऊंचाई लेंगे ना, सॉरी सबसे पहले ऊंचाई को लेंगे, कमरे की ऊंचाई छोटे से शुरुआत करेंगे, बराबर x मीटर, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, तो वो हो जाएगा 2x मीटर, और कमरे की लंबाई, लंबाई क्या होगा, तो वो हो जाएगा 4x मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों माने, देख लीजिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि लंबाई जो है ना चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई देखिए 4x है, चौड़ाई की दोगुनी है कि नहीं, और ऊंचाई से चौगुनी है, तो ऊंचाई से चौगुना है कि नहीं है, तो इसलिए ऐसे मानेंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से, आपके पास कमरे का आयतन दिया है, यानी घनाभाकार कमरा है ना, घनाभाकार कमरे का आयतन दिया हुआ है, यानी कितना वायु आएगा, वो आयतन है ना 5832 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा क्या होता है, एल गुना बी गुना एच ना, बराबर में कितना दिया है 5832 मीटर क्यूब, तो एल की जगह कितना रखिएगा 4x, और गुना में कितना 2x, और गुना में फिर कितना x, बराबर में होगा 5832 मीटर क्यूब, चार दुना 8x क्यूब बराबर 5832 मीटर क्यूब। चलिए यहां से इसको ले जाएंगे भाग में, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 5832 है ना, और भाग कर देंगे 8 से मीटर क्यूब, इसको इससे काटिएगा ना 729 बार में कट जाएगा, यानी कि ये x क्यूब, ये कितना का क्यूब होता है 9 मीटर का क्यूब होता है, क्यूब क्यूब हटा दीजिए, x बराबर कितना आ गया 9 मीटर। आपको लंबाई निकालना है, तो लंबाई तो 4x था ना, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितना आपके पास 4x है, यानी कि 4 गुना 9 कितना आ जाएगा 4×9=36 मीटर, यहां से कमरे की लंबाई आ जाएगी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर